इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द डेरिवेटिव. देखो रिएक्शन में क्या है, जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ा था कि जैसे RCOCl है या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल होगा तो सबसे पहले उस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा, कार्बोनिल वाले पोजीशन पे. तो मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी, डबल बॉन्ड ओ ऊपर मूव करेगा, राइट. तो जो आपका फर्स्ट अटैक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अटैक होगा दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मान लेते कुछ जेड है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ अटैक किया डबल बॉन्ड ऊपर मूव किया, नेक्स्ट स्टेप में तो ये जो बनेगा आर सी ओ नेगेटिव जेड और ये न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट. अब इस टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट में नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करता है और ये जेड अगर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर जाएगा, ठीक है. तो क्लोराइड भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट आर सी ओ नेगेटिव, फिर ओ आर नेगेटिव, ठीक है, और फिर एन एच टू नेगेटिव लास्ट में. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ओके. तो पहले क्या हो रहा है, पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है फॉलोड बाय एलिमिनेशन. तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन एट देयर असाइल कार्बन एटम, और ये उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है. तो ये सारा का सारा फंडामेंटल वही है जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़े थे. अब सेकेंड जो हमने रिएक्शन था, फर्स्ट हमने पढ़ लिया एसिडिटी, सेकेंड इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप. तो ये जो OH ग्रुप है इसको रिप्लेस करना है. तो मान लेते हैं कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो अगर इसको रिप्लेस कर देता है और हम बोल देते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बन गया RCONU और OH नेगेटिव बाहर चला गया, तो पहली बात इस रिएक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है दिस शुड बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन OH नेगेटिव, क्योंकि OH नेगेटिव एक पुअर लिविंग ग्रुप है. तो ये बाहर तभी निकलेगा अगर इसको डिस्प्लेस जिसने किया है वो इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बेस था, मतलब उसको बाहर रखने से बेटर है हम इसको बाहर रख लें. तो OH नेगेटिव ऐसा नहीं है कि कभी भी लिविंग ग्रुप नहीं होता, इट विल एक्ट एज ए लिविंग ग्रुप ओनली व्हेन द न्यूक्लियोफाइल जो उसको डिस्प्लेस कर रहा है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग बेस है, ठीक है. तो इस तरह के रिएक्शन हम पढ़ेंगे जहां पर हम OH ग्रुप को डिस्प्लेस करेंगे. हाँ, डायरेक्टली हम OH नेगेटिव की फॉर्म में उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे, किसी और अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करके ही करेंगे, पर अल्टीमेटली रिएक्शन में OH ग्रुप की जगह हम कुछ और लगाएंगे. तो उनमें सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स. RCOH को बनाना है RCOCl. तो डायरेक्टली याद करने वाले तीन सिंपल सी रिएक्शन है PCl5, PCl3, SOCl2. तो तीनों जो क्लोरीनेशन वाले आपने ROH में पढ़े थे अल्कोहल में, तो अल्कोहल को भी इन तीनों से ट्रीट कर लो. PCl5 से तो क्या बन जाता है RCl, सेम चीज. तो यहां पर भी OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना है Cl ग्रुप से. बस तीनों में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिफरेंट. PCl5 में जो बाई प्रोडक्ट दैट इज POCl3 प्लस HCl. PCl3 में कार्बोक्सिल के तीन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, तो तीन RCOCl बनेंगे प्लस H3PO3 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, सॉरी फॉस्फोरस एसिड, एंड SOCl2 पायरिडीन के साथ अगेन RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl, दोनों गैसेस बाई प्रोडक्ट्स हैं. तो ये रिएक्शन काफ़ी अच्छा है RCOCl बनाने के लिए. तो ये हो गया पहला फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, ठीक है. नाउ जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट इज, अब RCOCl के साथ में रिएक्शन भी सारे के सारे इकट्ठे देख लेते हैं. तो RCOCl को अगर आप वाटर से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस में ये वाला पार्ट सी और सी एल के बीच का बॉन्ड टूटेगा, तो एसिड क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस से वापस RCOH प्लस HCl मिल जाएगा. हाइड्रोलिसिस की जगह अल्कोहल से ट्रीट करोगे तो अल्कोहलाइसिस हो जाएगा. तो जहाँ पर OH लगा था अब वहाँ पर लग जाएगा OR- और दूसरा HCl. तो ये हाइड्रोलिसिस, ये अल्कोहलाइसिस. थर्ड में अमोनिया, अगेन अमोनिया में भी ये बॉन्ड ये वाला ब्रेक करना है. तो जैसे यहाँ पे वाटर में HOH लगाया था, अल्कोहल में ROH लगाया था, अमोनिया में NH2H इस तरह से लगाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा RCONH2 प्लस HCl. अब वो जो HCl है वो एसिड है और वो एक और अमोनिया से रिएक्ट करके बनाएगा NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है. इसलिए दो मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए हैं, क्योंकि अगर आप एक लोगे HCl तो वो भी किसी और अमोनिया से कंबाइन करके सॉल्ट तो बना ही लेगा. देन RCO नेगेटिव, Na पॉजिटिव,
अब ये Na और ये Cl, NaCl निकल जाएंगे, मतलब इस RCO नेगेटिव का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस असाइल पोजीशन पे, और फिर Cl एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाइड करके आप क्या कर सकते हो, NaCl निकाल दो, तो RCOO CO R, ये इसको R डैश कर लेते हैं, तो ये R डैश हो जाएगा, तो यहाँ पर एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी प्लस NaCl। नेक्स्ट में H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, रोजनमंड रिडक्शन आ गई डायरेक्टली, हमने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा हुआ है, सीधा RCHO बनते हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो दिस इज रोजनमंड रिडक्शन। देन R2 डैश सीडियम डाई अल्काइल कैडमियम ईथर के साथ ट्रीट किया, तो कुछ नहीं था, दो RCOCl ले लो, तो एक में भी Cl को R इस R से रिप्लेस कर लो R डैश से, दूसरे में भी, तो दो मॉलिक्यूल यहां पर लगेंगे, तो दो नए मॉलिक्यूल ऑफ RCO R डैश प्लस कैडमियम के साथ, क्योंकि दो मॉलिक्यूल से दो Cl निकलेंगे तो वो CdCl2 बना लेंगे, तो R2 डैश CD भी R डैश प्रोवाइड करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उसके दो पार्ट प्रोवाइड करेगा, इसलिए दो RCOCl कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, RCOCl और एक और ले लो RCOCl, तो जो R2CD था R डैश कैडमियम R डैश। ठीक है, तो यहां पे या इसको उल्टा करके लिखते हैं, कैडमियम R डैश, तो ये CDCl2 बाहर हो गया और ये R डैश यहां पे लग गया, ये R डैश यहां पे लग गया डायरेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज LiAlH4, तो LiAlH4 के साथ क्या करता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो RCOCl को पहले RCHO में कर देगा, फाइनली उसको फिर RCH2OH में कन्वर्ट कर लेगा। KCN, अब KCN के साथ क्या होगा, KCN में जो CN नेगेटिव है, CN नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन Cl नेगेटिव, देखो CN नेगेटिव के केस में क्या है, CN बना है HCN से, मतलब CN नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस HCN का है, HCN इज अ वीक एसिड, जबकि HCl एक स्ट्रांग है एसिड, तो उससे जो Cl नेगेटिव वो बना वो रिलेटिवली वीकर बेस है, HCN से जो CN नेगेटिव वो बना वो स्ट्रांगर बेस है, तो CN नेगेटिव इसको रिप्लेस कर सकता है, तो यहां पे RCOCN बन जाएगा। ठीक है, प्लस KCl सेपरेट हो गया। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, अब CN का हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो COH बन जाएगा, तो ये हो गया RCOCl के सारे केमिकल रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट थे।